छुट्टी का दिन और दिवाली की साफ सफाई कुछ यूं बीता हमारा आज का रविवार। तो मोहित ने तो कोई फर्क नहीं पड़ा था कि सफाई करनी के करना, इसने तो अपनी ड्रेस ट्राई करनी थी नई नई। सवेरे उठ दिए चाप इंदिया ने, इसने मेरे ती बता दी थी कि मैं आज अपना कोट पैंट सिलना दे के आऊंगा, मखाज तो अपन ने साफ सफाई भी करनी है। बोला हुआ तो तेरी जिम्मेदारी, अपन कोई मतलब नहीं इस बात पे। राहुल आ गया था इतनी देर में, इस खातर भी चाय बनाई फिर बैठ के सारा ना आज की प्लानिंग करी कि के करना है। ये दोनों तो नहीं बोले हम तो मार्केट में टाइम व्यतीत करके आवेंगे, आप देख लियो अपना। चलो थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, पोहा बना लिया जा। और कोकोनट ऑयल में पोहा इतना स्वाद बना है बस के बताऊं। जो यो कोकोनट ऑयल है यो है रुद्रांश ऑर्गेनिक का, बिल्कुल प्योर नेचुरल कोल्ड प्रेस। मैं मोस्टली मूंगफली को नहीं डाल करूँ क्योंकि डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत ज्यादा हो जाए अगर आप मूंगफली खाओ। मैंने अपना भोजन करा इतने टाइम हो लिया था 11:30 बजे का, और मैंने हमारी दीदी बुला रखी थी कि दीदी थोड़ी हेल्प करवा दियो मेरी साफ सफाई में। इतने 12 बज गए थे, हमने भी अपनी साफ सफाई शुरू करी, उनने किचन का शुरू करा और मैंने मेरी अलमीरा खाली करी। यो अलमीरा सेट करने वाला काम भी सारे दिन का है। अपने पास टाइम की बहुत ज्यादा कमी है, एक संडे मिला है उसमें सारी साफ सफाई निपटानी थी। तड़के तो दोबारा क्लिनिक जाना तो कोई टाइम नहीं बच पा। जब अलमारी के कपड़े काटने पड़ जाए, समेटने पड़ जाए जब तो ये बहुत गने लग गए हैं, लेकिन जब पहनने का टाइम आवे कि फंक्शन में जाना हो तो एक सूट नहीं पाता। मोहित ने बस काम खुनन थे मतलब था, अलमारी खोल दी, इसने अपने पेंट कोट काटे, बोले अल्लाह मैं पैर की दिखाऊंगा, फिर देखा तो पेंट बीड़ी आई। मका ओहो कसूता है, वेट बढ़ा लिया मोहित ने तो। 3-4 पेंट शर्ट ट्राई करी, सारे में इसकी पेंट बीड़ी हो पाई। बोला मैं ये ठीक कराने जाऊं टेलर कर, अपने कोट पैंट सिलने दे के आऊंगा। मैंने इससे एक काम बताया था कि वो बारला एग्जॉस्ट साफ कर दे बस, तू बाकी काम हम आप पे देख लेंगे। तो इसने एक बात तो मेरी माननी है, एग्जॉस्ट साफ करे कर दिए। बोला ला मेरा सौदा, मैं तो चल लिया, नहीं तो कि मैं और काम बता देगी फिर टेलर भी जा लेगा। इतने अपने जोड़े झंडे ठाए और निकल लिया राहुल के साथ टेलर का जान खातर। उड़ जाके इसने अपना कोट पैंट का नाप दिया और यो जो कोट पर आया यो तो जमा इसका फिट आया है। इसके बाद एक नई शर्ट भी खरीदी इसने, उसका भी नाप दे के आया। जब तक ये दोनों घर ने वापस आए इतने लगभग हमारी सफाई हो चुकी थी, बस घर धोया था, वाइपर मारन लाग रहे थे हम। दीदी और ने भी वार होने लाग रही थी क्योंकि ये सुबह तो आ रहे थे। मखान्यू करो पहले बैठ जाओ, थोड़ी देर सांस ले लो, मैं चाय बना लिया इतने सारे की चाय पी बातें मारे। और उसके बाद भाई सारा घर अपना चमकन लग गया था। बस चादर बिछानी थी, बाकी चादर धोने में डाल दी, मैं तड़के धोएंगे आज, बचा नहीं कोई टाइम हमारे पास। हमारा छोटला मोहित और बाबा हमारे ते फेटन आ रहे थे, मैं मखा मोहित लिया चादर बिछवा दे। इसने एक नई टेक्निक बताई कि जो चादर के कूणे हैं उन पर गांठ मार देंगे तो या चादर हल है कोनी, गांठ मार के उसने दबा दो इसके नीचे गद्दे। चलो मखा भाई तने एक नई टेक्निक बताई, मां कड़े ते सीखी थी या बोला यूट्यूब पे देखी थी। एक दिन जाके चैन की सांस आई है भाई, किस किस की दिवाली सफाई पूरी होली कमेंट में जरूर बता दियो। और भाई ये भाई भी हमेशा चिड़ान में पहला नंबर पर होंगे। आंधी है मेरे तीनू बोले तड़के लागी थी तू सफाई करना, हमने तो यो घर उसाए लागे है जिसा पहली लाग गया करदा। हाँ चलो भाई तम ना करियो, तारे घर में तारा भी उसाए लागेगा। उसके बाद भाई मैंने कुछ कपड़े निकाले थे जो एक्स्ट्रा थे, जिनने मैं पैर दिगोनी सूट वगैरह। दीदी भी ऊपर आ रहे थे, मखा दीदी देखो ये कपड़े मैंने निकाल रखे हैं, इनमें तो छांट के सूट न्यारे कर दिए, जो ड्रेसेस थी वो हमने अलग कर दी, कुछ मोहित के कपड़े थे जो पैंट शर्ट थी वो अलग कर दिए। बहुत सारे कपड़े तो इसे हैं जो एक आध दीवारे पहरे उड़े हैं, लेकिन ये ठंड आ जाएगी इन्हें उठा के बेड में धरो, फिर अगले साल तक का इंतजार करो। तू भी भाई फालतू के कपड़े धरने का कोई मतलब कोनी अलमारियां में बेडा में। एक दिन कुछ कमेंट भी पड़े थे मैंने कि भाई मेरती दे दियो मैंने जरूरत है कपड़े की, तो भाई न्यू क्यूकर बेरा पटेगा मैंने कि तम कड़े तो हो क्यूकर ये कपड़े मिलेंगे तमने, तो या तो तम एड्रेस लिखा करो या क्लिनिक पे आया करो। सारे कपड़े छांटने के बाद बस हमने चैन की सांस ली। आज पूनम दीदी और मैं बैठे कई देर बतलाए, हमारी अंजू दीदी भी आ रही थी उनका गले बतलाए। रात ने लगभग 8 बजे हम नहाए, उसके बाद हम पहुंचे राहुल और के, तो जाके देखा तो राहुल दादा दादी खातर कंबल निकालन लाग रहा था। मोहित ने बोला ले मन्ने दे ये कंबल, और जाके कंबल उड़ा दिया दादी ते यार, फिर एक पैर का हाथ लगाया दादी ने, बेरा ही नहीं पटा इतनी नींद आ रही। 2-3 बार पैर का हाथ सा लगाया तो दादी को समझ में ही नहीं आवे कि कौन करे है, इतनी गहरी नींदा में थी। मखा मोहित क्यों परेशान करे दादी ने इतनी रात ने, फिर एकदम तो जाग आई दादी ने, रूठ दी न्यू बोली मोहित कित है तू, मने बेरा है तेरे बिना इसी शरारत कोई और करे कौन सकता। दादा दादी भाई हमारी रोज बाट देख दे पाया करे, जब तक हम जावा नहीं इतने सोवे कोनी, बोले बेटा मारे तो फेटन आया करो, मारा जी ला गया रहने। दादी ने पूछा कि बेटा करे है के साफ सफाई में, दादी आपने कौन बताओ था, बोली राहुल का था सवेरे की, आज तो भाई भाभी सवेरे की सफाई में लाग रहे हैं। जब हम वापस चालन लागे तो बार यार प्यारी सी डोगी मिली हमने, घनी प्यारी है भाई, जमा बिछ जाए इसने एक बार प्यार तो बोल लो, जब लेट जागी हेलो करेगी घनी सुतरी लागे। जिसे के साथ आज का व्लॉग खत्म करा हाँ, जय राम जी की, शेयर जरूर कर दियो अगर आपने बढ़िया लगे तो, और अपने चैनल ने फॉलो कर दियो ताकि सारी अपडेट मिलती रहे।